कैंपियरगंज थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त गोपाल यादव व नीरज यादव की 1 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि कैंपियरगंज थाना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के अपराधी की 1 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया है, जिनकी पहचान गोपाल उर्फ राम गोपाल यादव पुत्र स्वर्गीय महेश यादव निवासी ग्राम भिटाहा थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर, दूसरा नीरज यादव पुत्र स्वर्गीय पंचदेव यादव निवासी भिटाहा थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि गैंगस्टर एक्ट की धारा के तहत अभियुक्त गोपाल यादव व नीरज यादव की ग्राम भिटाहा थाना सहजनवा में स्थित 1 मंजिला 2 मकान ग्राम भिटाहा के भूमि व मकान जिसकी बाजार में कुल कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए संपत्ति को जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसीलदार सहजनवा व कैंपियरगंज पुलिस ने जब्त किया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, मिलल नहीं नहीं ओई तो कह के चले वो तो कर दिया भैया के किया। अरे साहब हमरे चबिया नाम घर के मोर से भी हमर बना दिए ओरे स्त्री ये की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर के अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना कैंपियरगंज पुलिस द्वारा अपराधियों रामगोपाल यादव तथा नीरज यादव के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत कार्रवाई की गई। उक्त कार्रवाई के अंतर्गत दोनों अभियुक्तों की लगभग 1 करोड़ रुपए की संपत्ति, जिसमें 2 प्लाट व 2 मकान शामिल हैं, उसको जिलाधिकारी महोदय के आदेश से कुर्क किया गया। उक्त दोनों अपराधियों पर 5-5 मुकदमे पंजीकृत हैं तथा दोनों अपराधी शातिर एवं दबंग किस्म के हैं। उक्त दोनों अपराधियों की संपत्ति को चिन्हित करके उक्त कार्रवाई आज मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में थाना कैंपियरगंज द्वारा की गई।